वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मामले में 225 और MRPL में भी खरीदारी आप कर सकते हैं, दोनों में भी जूस बाकी है, जबकि दोनों 50-50% कम से कम दो एक एक दो दो हफ्ते में चल चुके हैं। IOC का एक बार चार्ट दिखाइए। IOC में जो रिजल्ट आने वाले हैं इस बार, उम्मीद है कि उनको इन्वेंट्री गेन होगा थोड़ा बहुत, 132-135 पे आएगा। जी इसने भी एक चाल दिखाई है, इसका भी दो हफ्ते चार्ट दिखाइए, लेकिन अब ये 132-133 के आसपास अटक रहा है पिछले दो चार दिनों से, लेकिन इसने एक अच्छी रैली दिखाई है, 17-12-13% की ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिली है दो हफ्ते के ट्रेड में। तो IOC में कोई ट्रेड बनता है क्या? बिल्कुल, आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तीनों ही में तेजी है, चाहे वो BPCL हो, HPCL हो या फिर इंडियन ऑयल हो। IOC में यस अप मूव ऑन है, 130 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है 135-140 एक पॉसिबिलिटी आती है, 135-138 एक पॉसिबिलिटी है, 135 तक का लक्ष्य इसमें आ सकता है। जैसे जैसे ये कंपनीज रिजल्ट्स के करीब पहुंचेंगी तो वहां पे इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। गगाबा जी, कुछ और बढ़िया मजबूती वाले शेयर में गुजरात अल्कलीज, 7% की तेजी यहाँ पे अभी भी दिख रही है, सौदा बनता है इसमें? गुजरात अल्कली, हाँ गुजरात अल्कली, गुजरात अल्कली का, यस यस, मैं गुजरात अल्कली का चार्ट हमने देखा था, स्टार स्ट्रक्चर बढ़िया है, 900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अभी एक कंसोलिडेशन में, और इस कंसोलिडेशन को देखकर लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलना चाहिए, इसका टारगेट करीब 1000 की तरफ जाना चाहिए। गुजरात अल्कली सेफ बेट लगता है ऑन द लॉन्ग साइड, ऑन द लॉन्ग साइड सेफ बेट है। और यहाँ पे अरे चाय कंपनी आज चल रही है, जयश्री टी 8-7% ऊपर, अभी थोड़ी देर में इसमें एक मूव बना है। सनसेरा इंजीनियरिंग, ये एक रिसेंट लिस्टिंग है, इसमें भी अभी अभी 6% का मूव बना है। जयश्री टी में देखिए, सनसेरा भी दिखाइए, हैरिसन मलयालम में भी आप देखिए, वहाँ पे भी तेजी बनती हुई दिख रही है। ये कुछ चाय कंपनीज हैं और वो सनसेरा इंजीनियरिंग, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं, इसमें अच्छे मोमेंटम बनते हुए देखने को मिले। लेकिन गाबा सर, IT सेक्टर लगाड़ है, दम नहीं है उसमें। L&T का देखिए, L&T इन्फोटेक देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम देखिए, कमजोरी बनी हुई है इसमें। इस पैक में कोई अच्छा लग रहा है आपको क्या आज? हालांकि वो TCS इन्फोसिस आज थोड़ा सा पलटे हैं, इसमें एक्चुअली पूरे सेक्टर में वीकनेस है, ये सेक्टर में कुछ हो रहा है जो हम मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से सेक्टर में वीकनेस है, चाहे वो L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विस हो, L&T इन्फोटेक हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, इस सेक्टर में कुछ है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन यस सेक्टर में थोड़ी वीकनेस है, अवॉइड करें तो अच्छा है। बाइंग का मौका नजर नहीं आ रहा आसपास भी, सपोर्ट के आसपास जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा कहना मुश्किल है, तो फिलहाल वीक है। अजय, ये इन्फोसिस IT वाले तो काफी गिरने के बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप, टेक्निकल बाउंस इसमें देखने को मिला है। विनती ऑर्गेनिक्स, एक और स्टॉक जो 52 वीक हाई के जोन में एंटर किया है, इसने 5% की मजबूती है। विनती ऑर्गेनिक्स का चार्ट दिखाइए, जबरदस्त तेजी यहाँ पे है, केमिकल थीम धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, 5% ऊपर है। गाबा सर, विनती ऑर्गेनिक्स में बिल्कुल, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, इसका जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से लगता है कि ये जो ब्रेकआउट मिला है आज, ये ब्रेकआउट सिर्फ एक दिन का नहीं है, लगता है 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन और लगेगा ब्रेकआउट में इसका, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। विनती ऑर्गेनिक्स में 2100 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो बरकरार है अपसाइड ऑन है, इसी डिलीवरी लेकर होल्ड करने